नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया खबरें अब तक। आज खबरें अब तक में बात होगी वायनाड में प्रियंका गांधी की चुनौती की, दक्षिण भारत में ज्यादा बच्चे पैदा करने को लेकर नेताओं के बयानबाजी की और यूपी में मुस्लिम वोट के पीछे मची घमासान की। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा होगी, इन रिपोर्ट पर विस्तार से करेंगे बात। लेकिन उससे पहले नजर डाल लेते हैं इस वक्त की बड़ी हेडलाइंस पर। नागपुर के इतवारी रेलवे स्टेशन के पास शालीमार ट्रेन के 3 डिब्बे पटरी से उतरे। विस्तारा की 11 उड़ानों को फिर मिली बम से उड़ाने की धमकी। ब्रिक्स ने अपनी अलग पहचान बनाई, आज विश्व के कई देश इससे जुड़ना चाहते हैं, कजान में बोले पीएम मोदी। मीटिंग में झड़प के बाद कल्याण बनर्जी पर एक्शन, जेपीसी से सस्पेंड हुए टीएमसी सांसद। एयर इंडिया की भी 13 फ्लाइट्स को मिली बम से उड़ाने की धमकी। गृह मंत्रालय ने बढ़ाया बांग्लादेशी लेखिका तस्लीमा नसरीन का रेजिडेंस परमिट। हरियाणा में पराली जलाने की घटनाओं पर कृषि विभाग का बड़ा एक्शन, 24 कर्मचारी हुए सस्पेंड। वैश्विक कमजोर संकेतों और विदेशी फंडों की निकासी से सेंसेक्स निफ्टी फिसले, तकरीबन 9 लाख करोड़ रुपए डूबे। भारत वृद्धि के लिए नया सिरों का लाभ उठाने की अच्छी स्थिति में, वित्त मंत्री ने अमेरिका में किया बड़ा दावा। मुंबई पुलिस ने गंदी बात मामले में एकता कपूर से पूछताछ की, पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। ये तो थी इस वक्त की बड़ी हेडलाइंस, इसी के साथ रुक करेंगे हमारी खास रिपोर्ट्स की ओर। प्रियंका गांधी वायनाड से चुनाव लड़ने जा रही हैं और उनकी सफलता कई बातों पर निर्भर करेगी, लेकिन एक बात ये भी सच है कि वायनाड की चुनावी पृष्ठभूमि भी कांग्रेस के लिए मजबूत रही है, क्योंकि यहां से राहुल गांधी ने पहले चुनाव जीता था। ऐसे में लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बीच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट साझा किया है। ये पोस्ट उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा द्वारा वायनाड से नामांकन दाखिल करने से एक दिन पहले यानी आज आया। राहुल ने अपने पोस्ट में लिखा कि वायनाड के लिए मेरी बहन प्रियंका से बेहतर उम्मीदवार की कल्पना नहीं की जा सकती। वायनाड के लोगों के लिए मेरे दिल में एक विशेष स्थान है और मुझे विश्वास है कि प्रियंका वायनाड की जरूरतों की जोरदार पैरवी करेंगी और संसद में एक सशक्त आवाज बनेगी। दरअसल प्रियंका गांधी वाड्रा बुधवार को अपना नामांकन दाखिल करेंगी, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी उपस्थित रहेंगे। बता दें कि प्रियंका गांधी जो कांग्रेस की महासचिव हैं, वायनाड से अपना पहला लोकसभा चुनाव लड़ेंगी। ये वही सीट है जो पहले राहुल गांधी ने जीती थी। भारतीय जनता पार्टी ने वायनाड से प्रियंका गांधी के खिलाफ नाव्या हरिदास को टिकट दिया है। फिलहाल देखा जाए तो राहुल गांधी चाहे जितना प्रियंका का समर्थन कर दे, लेकिन प्रियंका गांधी की जीत उनकी ही मेहनत पर डिपेंड करेगी। उनको स्थानीय मुद्दों जैसे कृषि संकट और स्वास्थ्य सेवाओं पर ध्यान केंद्रित करना होगा। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी की स्थिति और विरोधियों की ताकत भी उनकी सफलता को प्रभावित करेगी। अगर प्रियंका प्रभावी प्रचार करती है और जनता के मुद्दों को समझती है तो वायनाड में उनकी जीत की संभावना बढ़ सकती है। फिलहाल इसी के साथ हम रुक करेंगे हमारी अगली रिपोर्ट का। दक्षिण भारत में ज्यादा बच्चे पैदा करने को लेकर नेताओं के बयानों से नई बहस शुरू हो गई है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने कहा कि लोकसभा परिसीमन के चलते लोग अब 16 बच्चों की पुरानी तमिल कहावत की ओर लौट सकते हैं, जिससे दंपतियों को कम बच्चे पैदा करने का विचार छोड़ने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। उनका कहना है कि अब लोग सोच रहे हैं कि उन्हें सच में ज्यादा बच्चे पैदा करने चाहिए। यह बयान आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के इसी तरीके के बयान के एक दिन बाद आया। नायडू ने कहा था कि राज्य में उम्र दराज आबादी बढ़ रही है, इसीलिए परिवारों को 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करने की जरूरत हो गई है। उन्होंने चिंता जताई कि अगर महिलाएं 2 से कम बच्चे जन्म देती हैं तो भविष्य में जनसंख्या कम हो जाएगी और बूढ़ों की संख्या बढ़ जाएगी। नायडू ने यूरोप और जापान का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां युवा आबादी घट रही है और दक्षिण भारत भी इसी स्थिति का सामना कर सकता है। इस समय दक्षिणी राज्यों को तकरीबन 2026 में होने वाले परिसीमन का भी ध्यान रखना है, जिससे उनकी लोकसभा सीटों में कमी आ सकती है। स्टालिन इस बात को लेकर ज्यादा चिंता में है कि अगर सीटें कम हुई तो उनके राज्य की राजनीतिक आवाज कमजोर हो सकती है। इसीलिए नायडू और स्टालिन का यह बयान सिर्फ जनसंख्या नीति पर नहीं बल्कि राजनीति पर भी असर डालता है। फिलहाल इनके बयान के विरोध में स्वर भी ऊंचे हुए हैं। फिलहाल हम इसी के साथ रुक करेंगे हमारी अगली रिपोर्ट का। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में सपा और बीजेपी के बीच मुकाबले में असदुद्दीन ओवैसी
कि पार्टी AIMIM की भी एंट्री हो गई है। ओवैसी ने उपचुनाव की 9 सीटों में से मुस्लिम बाहुल 2 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। पश्चिमी यूपी की दोनों मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर मुस्लिम कैंडिडेट उतारकर असदुद्दीन ओवैसी ने सपा और बसपा की टेंशन बढ़ा दी है। ऐसे में मुकाबला रोचक हो गया है। यूपी उपचुनाव में ओवैसी ने PDM यानी कि पिछड़ा दलित मुस्लिम फॉर्मूले पर चुनावी मैदान में उतरे हैं, जिसके तहत मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर AIMIM चुनाव लड़ रही है, तो ओबीसी बाहुल्य सीटों पर ओबीसी आधारित पार्टियों के खाते में गई है। मीरापुर सीट पर 4 दलों से मुस्लिम कैंडिडेट मैदान में हैं, जिसके चलते मुकाबला काफी ज्यादा रोचक हो गया है। बसपा, सपा, आसपा और AIMIM की ओर से मुस्लिम प्रत्याशी उतारने की घोषणा के बाद RLD ने अपनी रणनीति में काफी ज्यादा परिवर्तन कर लिया है। अब RLD गुर्जर या फिर जाट समाज के किसी चेहरे को उतार सकती है। मीरापुर और कुंदुरकी जैसे मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर सभी विपक्षी पार्टियों ने मुस्लिम प्रत्याशी पर दाव खेला है, जिसके चलते मुस्लिम वोटों के बिखराव की संभावना बढ़ गई है। मीरापुर सीट पर तकरीबन 35% के करीब मुस्लिम वोटर हैं, तो कुंदुरकी में 50% से ज्यादा मुस्लिम मतदाता हैं। इस तरीके से दोनों ही सीटों पर मुस्लिम वोटर निर्णायक हैं, लेकिन जिस तरह सभी विपक्षी दलों ने मुस्लिम उम्मीदवारों को उतारा है, जिसके चलते BJP और RLD की बाजी खिल गई है। हालांकि ये स्थिति यूपी के 2022 विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव में कई सीटों पर देखने को मिली थी, लेकिन मुस्लिम समुदाय ने एकजुट होकर BJP के खिलाफ वोटिंग की, बसपा और दूसरी पार्टियों के मुस्लिम कैंडिडेट को नजरअंदाज कर दिया था। लेकिन उपचुनाव में मुस्लिमों का वोटिंग पैटर्न अलग रहा है। ओवैसी से लेकर सपा, बसपा और चंद्रशेखर आजाद तक मुस्लिम वोटों को ही साधने में लगे हैं, तो BJP और RLD की नजर बहुसंख्यक समाज के वोट बैंक पर है। सीएम योगी से लेकर BJP के कई नेता खुलकर बटोगे तो कटोगे का नैरेटिव सेट कर रहे हैं। इसके जरिए हिंदू वोटों को सियासी संदेश दिया जा रहा है। यूपी के उपचुनाव में भी BJP बटोगे तो कटोगे का दाव चल सकती है। ऐसे में मुस्लिम वोटों के बिखराव की संभावना ने बसपा सपा का चुनावी गेम बिगाड़ दिया है, तो BJP के लिए उम्मीद की किरण काफी ज्यादा जग गई है। फिलहाल ये तो थी खबरें अब तक की खास रिपोर्ट्स, लेकिन जाते जाते आपसे एक खास बात भी जरूर करेंगे। जातिगत राजनीति काफी ज्यादा बढ़ गई है। जातिगत वोटिंग भारतीय राजनीति में एक बड़ा मुद्दा बन गया है, जो समाज को भी बांटता है। असली राजनीति तो तब होगी जब जातियों से ऊपर उठकर सबको साथ लेकर चला जाएगा। जब नेता सिर्फ जाति के नाम पर वोट मांगने के बजाय सभी वर्गों के लोगों की आवाज बनेंगे और उनके साथ साथ विकास पर ध्यान दिया जाएगा, तभी सच्ची एकता और विकास संभव होगा। हमें शिक्षा और जागरूकता के जरिए ये समझना होगा कि जातिवाद से बाहर निकलकर एकजुट होकर काम करने से ही हम अपने लोकतंत्र को मजबूत कर सकते हैं। जब हम सभी मिलकर एक बेहतर भविष्य की दिशा में बढ़ेंगे, तभी असली राजनीति का मतलब समझ आएगा। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की बाकी और खबरों के साथ बने रहने के लिए आप देखते रहिए CNews भारत।